नेशनल हाईवे 205 पर ब्रेक छोड़ गया एक ट्रक निजी बस से जा टकराया। हादसा पेट्रोल पंप के समीप घटित हुआ है। सवारियों से भरी ये निजी बस लोकल रूट नैना देवी से बागछाल के लिए जा रही थी। पेट्रोल पंप के पास पहुंचने पर बस के काफी आगे चल रहा एक ट्रक बैक होकर बस से जा टकराया। ट्रक चालक ने बताया कि चढ़ाई में चल रहे उसके ट्रक ने ब्रेक छोड़ दी, जिस कारण ट्रक बैक हो गया और पीछे चल रही बस से जा टकरा गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं पहुंची। हालांकि बस चालक ने बस को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ट्रक की इतनी रफ्तार बन गई कि बस चालक की कोई कोशिश काम नहीं आई। नेशनल हाईवे 205 पर ब्रेक छोड़ गया एक ट्रक निजी बस से जा टकराया। हादसा पेट्रोल पंप के समीप घटित हुआ है। सवारियों से भरी ये निजी बस लोकल रूट नैना देवी से बागछाल के लिए जा रही थी। पेट्रोल पंप के पास पहुंचने पर बस के काफी आगे चल रहा एक ट्रक बैक होकर बस से जा टकराया। ट्रक चालक ने बताया कि चढ़ाई में चल रहे उसके ट्रक ने ब्रेक छोड़ दी, जिस कारण ट्रक बैक हो गया और पीछे चल रही बस से जा टकरा गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं पहुंची। हालांकि बस चालक ने बस को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ट्रक की इतनी रफ्तार बन गई कि बस चालक की कोई कोशिश काम नहीं आई। नेशनल हाईवे 205 पर ब्रेक छोड़ गया एक ट्रक निजी बस से जा टकराया। हादसा पेट्रोल पंप के समीप घटित हुआ है। सवारियों से भरी ये निजी बस लोकल रूट नैना देवी से बागछाल के लिए जा रही थी। पेट्रोल पंप के पास पहुंचने पर बस के काफी आगे चल रहा एक ट्रक बैक होकर बस से जा टकराया। ट्रक चालक ने बताया कि चढ़ाई में चल रहे उसके ट्रक ने ब्रेक छोड़ दी, जिस कारण ट्रक बैक हो गया और पीछे चल रही बस से जा टकरा गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं पहुंची। हालांकि बस चालक ने बस को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ट्रक की इतनी रफ्तार बन गई कि बस चालक की कोई कोशिश काम नहीं आई। नेशनल हाईवे 205 पर ब्रेक छोड़ गया एक ट्रक निजी बस से जा टकराया। हादसा पेट्रोल पंप के समीप घटित हुआ है। सवारियों से भरी ये निजी बस लोकल रूट नैना देवी से बागछाल के लिए जा रही थी। पेट्रोल पंप के पास पहुंचने पर बस के काफी आगे चल रहा एक ट्रक बैक होकर बस से जा टकराया। ट्रक चालक ने बताया कि चढ़ाई में चल रहे उसके ट्रक ने ब्रेक छोड़ दी, जिस कारण ट्रक बैक हो गया और पीछे चल रही बस से जा टकरा गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं पहुंची। हालांकि बस चालक ने बस को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ट्रक की इतनी रफ्तार बन गई कि बस चालक की कोई कोशिश काम नहीं आई। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नैना देवी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। सज रहा है रंग, शुरू है रणनीति। देखिए सीजन की सबसे बड़ी ओपन डिबेट, कांगड़ा जिला के मुद्दों पर कांग्रेस भाजपा और आपके बीच बड़ी बहस। दिनांक 2 अप्रैल 4:30 बजे से स्थान कोतवाली बाजार पर धर्मशाला। लाइव प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव राष्ट्रपति। डिबेट के बीच ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें